साथियों, संत रविदास जी का एक दोहा है और ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका भी पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी की सरकार वही कर रही है जो संत रविदास जी कह के गए हैं। संत रविदास जी ने अपने दोहे में क्या कहा है, और उन्होंने ऐसा चाहूं, संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे, और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से रविदास जी प्रसन्न होंगे ही। ये संत रविदास जी ने कहा है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र, उस मंत्र को लेकर के चल रही भाजपा का आदर्श भी संत रविदास जी के शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। आप देखिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आई है, ऐसी महामारी आई है, 100 साल में कभी ऐसी महामारी नहीं आई, और पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन भाजपा सरकार ने संत रविदास जी की इस भावना को प्राथमिकता दी, मिले सबको अन्न। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज कोरोना की वजह से गरीब को हर तरह की दिक्कत आ रही है, खाने पीने की समस्या हो रही है, लेकिन इतने बड़े संकट में, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में, इस काल में भारत करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके घर में चूल्हा न जलता हो। भाई, ये काम करना मेरे लिए एक पवित्र सेवा का काम था। पंजाब के भी लाखों गरीबों को 2 साल से मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। हमने प्रयास किया है कि महामारी के इस समय में कोई भूखा गरीब हमारे यहां गरीब भूखा न सो जाए। कोरोना की वैक्सीन भी हमारी सरकार ने मुफ्त मुहैया कराई। गांव गांव जाकर के मेरे देशवासियों का जीवन बचाने के लिए रात दिन काम किया, और दुनिया में जो नहीं कर पाए वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया। करीब करीब 95% से ज्यादा लोगों को
पहला डोज तो लग ही चुका है और दूसरा डोज भी करीब करीब सबको लगने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है और वैक्सीन की वजह से लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। भाइयों बहनों, आप सबने वैक्सीन लगवाई है ना? मुझे बताइए, वैक्सीन लगवाई है ना? आपको एक नए पैसे का खर्चा हुआ है क्या? आपको कोई दिक्कत हुई है क्या? मुझे बताइए, ऐसे संकट के समय ये पवित्र काम मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देशवासियों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी कि नहीं लगनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, इसी वैक्सीन की वजह से अब पंजाब में भी स्थितियां थोड़ी बहुत सामान्य होने के कारण आर्थिक गतिविधियों ने भी अपना जोर पकड़ना शुरू कर दिया है।